आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग स्थित 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी की इसी कार्रवाई से नाराज नागपुर के शिवसैनिकों ने महाल क्षेत्र स्थित शिवाजी की प्रतिमा के सामने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं हमारे री इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। नहीं चलेंगी। संजय राउत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राउत साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। हम संसद जिला उपप्रमुख महेंद्र कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार, ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो दोपहरी राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष देख रहा है, केवल महाराष्ट्र दुखी नहीं है, पूरे भारतवर्ष में लोगों की बहुत जास्ती चल रही है। दोगरी राजनीति का कारण है सीबीआई, ईडी सब इनके हाथ में है, तो सीबीआई ईडी का खेल खेला जा रहा है हमारे राउत सर। वो सभी को पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये सबको सामने आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के युवा सेना, शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम करेगी, पूरे शिवसैनिक बहुत क्रोध में है, पूरी पार्टी क्रोध में है, क्योंकि ये गंदे कार्य किए जा रहे हैं। इतने गंदे कार्य कि हमें अपने मुख से उस पार्टी का नाम लेने में बहुत दुख महसूस हो रहा है कि हम उस पार्टी का नाम ले तो ले कैसे। हमारे सारे कार्यकर्ता दुखी हैं, केंद्र में राजनीति करने से, ईडी को अपने हाथ में करने से, या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने से, या किसी बड़े पदाधिकारी को अपने हाथ में लेने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर मैदान में सामने आएंगे, सामने चुनाव हो गए, तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। किसी भी प्रकार की सेटिंग से कुछ होने वाला है नहीं, कभी भी होने वाला नहीं है। हमारे सारे कार्यकर्ता आज नागपुर क्षेत्र में बहुत क्रोधित हैं, सभी जगह चक्का जाम की स्थिति हो सकती है। हम उन्हें आगाह करते हैं कि दोगरी राजनीति आज बंद कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा भूचाल महाराष्ट्र में आ जाएगा। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।